नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफ़र या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जल श्री मुद्रा की चर्चा करेंगे। जल सी विशिष्ट मुद्रा मानी जाती है। इसका संबंध जल तत्व से है, इसका संबंध हमारे स्वाधिष्ठान चक्र से है, इसका संबंध हमारे नाभि चक्र से है। जल तत्व की बात करें तो जो जल तत्व है ये आकर्षण पैदा करता है। हमारे अंदर 90% जल तत्व है। अगर जल तत्व कमजोर हो जाए तो हमारा आकर्षण करने की क्षमता, प्रभावित करने की क्षमता ये समाप्त होने लगती है। यही कारण है कि जल तत्व को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है और इसके लिए पूरा ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर दिया जाता है। इसके अलावा इस तत्व के द्वारा आपके सीखने की क्षमता बढ़ती है। जो भी आपके स्कूल में, कॉलेज में या जीवन से जो भी आप सीख लेते हैं वो जीवन में कभी आप भूलते नहीं। इससे आपकी योग्यता में निखार आता है और आपकी पेट की समस्या, महिलाओं में बच्चेदानी की समस्या, इससे जुड़ी किसी भी तरह की समस्या हो तो उससे आपको लाभ मिलता है। और जल तत्व की अगर कमी है तो वैसे भी आपके अंदर चिड़चिड़ापन, क्रोध, गुस्सा, तनाव, चिंता, ये सब चीज़ें बढ़ती ही रहती हैं। ऐसे लोग सीधे ढंग से किसी से भी बात नहीं करते, बात बात पर नाराज हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर जैसा स्वभाव बन जाता है, इनको कुछ भी सहन नहीं होता है अपने जीवन में। तो जल तत्व पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वो महिलाएं या वो पुरुष जिनको पित्त दोष है उनको जल तत्व की साधना या जल श्री साधना या जल श्री मुद्रा का अभ्यास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में जल तत्व की कमी होती है। इसकी वजह से महिलाओं में बच्चेदानी में समस्या उत्पन्न होती है, इससे संतान उत्पन्न करने में अड़चनें आती हैं। पुरुषों में उनके सप्त धातुओं में अड़चन आती है, संतान उत्पन्न करने में अड़चनें आती हैं। कहने का अर्थ यह है, महिलाएं पुरुषों की बात करें तो दोनों के लिए अति उपयोगी है। इसके अलावा अगर मन पर नियंत्रण है वही व्यक्ति आगे तरक्की कर पाता है। आइए इसका अभ्यास कैसे करें। घिरे ढले वस्त्र के किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर जमीन पर आप नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। याद रखें बिस्तर पर न बैठें। अब आंख बंद कर लें। आंख बंद करने के बाद अपना पूरा ध्यान नाभि चक्र पर रखें। हार्ट के नीचे मणिपुर चक्र है, ये हार्ट है, ये मणिपुर चक्र है, इसके नीचे नाभि का भाग है। नाभि पर स्वाधिष्ठान चक्र पर आप ध्यान देते हुए 10 बार प्रणाम करना है। आप इस तरीके से हाथ भी रख सकते हैं, ऐसे हाथ अपने नाभि पर ऐसे हाथ रखें और हाथ रखने के बाद 10 बार प्रणाम करें, यानी जोर से सांस खींचें, जितनी देर तक हो सके रोक के रखें फिर धीरे से छोड़ें। तो इस तरीके से हाथ, चाहे आप ऐसे रखें या ऐसे रखें, अपने नाभि चक्र पर रखें, 10 बार प्रणाम करें और आपका अभ्यास खत्म। 4 से 5 मिनट का अभ्यास है, सिर्फ 4 से 5 मिनट का ही अभ्यास है और आपको आश्चर्य होगा कि कुछ ही दिन के अभ्यास में आपको अपने अंदर परिवर्तन महसूस होगा। क्योंकि आपके अंदर कोई परिवर्तन हो रहा है तो सामने वाला जल्दी नहीं बता पाएगा, लेकिन आपको तो पता चल ही जाएगा और इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। जिन लोगों को बच्चे नहीं हो रहे हैं, डॉक्टरों की सहायता ले रहे हैं, डॉक्टरों से दवा ले रहे हैं, ऐसे लोगों को तो ये कंपलसरी है, ये अभ्यास करें। और ये हर तरीके से मन मस्तिष्क पर नियंत्रण करता है ये मुद्रा। तो ये इस तरीके से हाथ, ये मुद्रा बना के नॉर्मली भी इस तरीके से या इस तरीके से हाथ आप अपने नाभि चक्र पर रखें और 10 बार प्राणायाम करें। बस इतना ही है। सुबह, दोपहर, शाम, रात कभी भी कर सकते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे कुछ देखने की जरूरत नहीं, कभी भी किसी भी समय इस मुद्रा का अभ्यास आप कर सकते हैं। इसके लिए
आप किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो कोई समस्या नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस साधना को, इस मुद्रा का अभ्यास कर सकता है और उसे लाभ ले सकता है। आशा है ये मुद्रा आपके जीवन में बहुत 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 काम आएगी। धन्यवाद।